A very good morning to all of you. Welcome to the Wi-Fi Study Channel, changing the way of learning, India's number one online education channel and the part of an academy. तो गाइज ये वाली जो क्लास है ये 850 पे आपकी 855 पे शुरू हो जाती है ये क्लास आपकी 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के जहाँ से क्वेश्चंस जो है वो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी वाइज जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड 15 to 16 टॉपिक जो है ना वो ऑलरेडी कवर यहाँ पे करा चुकी हूँ, राइट। उसी से रिलेटेड आज की क्लास है ये, नेशनल मूवमेंट्स की जो क्लास है वो हम करने वाले हैं। ऐसी ही स्टैटिक जीके की लेकिन मिक्स क्वेश्चन की एक क्लास शाम को चलती है जिस क्वेश्चन का नाम है सुपर 40 स्टैटिक जीके। दैट इज इस क्लास के अंदर हम जो है ना वो 7 बजे क्या करते हैं, करंट अफेयर के 10 से 15 क्वेश्चन एज पर दी क्वेश्चंस अवेलेबल 10 to 15 क्वेश्चन जो है ना वो हम करंट अफेयर्स के करते हैं और साथ में बाकी के जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीके करते हैं। पोल में आंसर देना होता है, 40 to 45 मिनट की ये क्लास होती है। यहाँ पे भी आप मेरे साथ मिक्स क्वेश्चन जो है ना वो कर सकते हो। ये 9 PM की जो क्लास है उसको मैं चेंज करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम इट आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, SSC का जो सब्सक्रिप्शन उसको ले लीजिए। साथ में यहाँ पे CET की प्रिपरेशन सितंबर से बैचेस में शुरू हो जाएगी, प्लस बैच जो है वो भी सितंबर में शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप ये 6 बजे वाली और 7 बजे वाली क्लास है ना उसको एकदम शानदार तरीके से फॉलो कर लीजिए, कहीं पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ये कलर ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार जल्दी से सारे के सारे जो है वो ज्वाइन हो जाइए और अपना ये जो आज का क्लास है ना ये शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपकी पूरी की पूरी पहला क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। सत्यमेव जयते वाज फर्स्ट रिसाइटेड बाय, सत्यमेव जयते जो है वो पहली बार जो है वो किसके द्वारा सुनाई देने लगा था। चलिए चलिए शायरी नहीं करिए, आंसर जो है ना वो देना शुरू करिए। शायरी की क्लास किसी दिन करेंगे जब आपकी एग्जाम वगैरह हो जाएंगे ना, तो शायरी की क्लास भी करेंगे। तो पहले अभी एग्जाम के पर्पस से बात करते हैं। सत्यमेव जयते जो है वो पहली बार किसके द्वारा गाया गया था या किसके द्वारा पहली बार सत्यमेव जयते की जो स्टेटमेंट है वो दी गई थी या वर्ड सत्यमेव जयते जो है वो बोला गया था। तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय करके याद रखिए, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है या जर्नल जो है वो खोली थी 1889 में। ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल पीछे एग्जाम में पूछा गया है ना, तो मदन मोहन मालवीय करके याद रखिए, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा पहली बार सत्यमेव जयते जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये सत्यमेव जयते का ये शब्द जो है ना सत्यमेव जयते, जरा बता दीजिए फटाफट कि हमने कौन से उपनिषद से लिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते जो है ना उसका स्लोगन लिया है। तो आपको याद है ना अच्छे से मुंडका उपनिषद, राइट। हमारे पास कई सारे उपनिषदों में से हमने अपनी इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं या जो हमारी थीम्स है ना उनको लिया है यहाँ पे। इनको पोस्टमसली 2014 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया था भाई पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से। तो याद रखिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने पहली बार सत्यमेव जयते जो है उसको वर्ड को रिसाइट किया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ पे फहराया गया था, अच्छा दूसरा क्वेश्चन पहले ही आ गया था है ना, ज्यादा जल्दी आने की है। चलिए बताइए, ये बताइए सबसे पहली बार कि हमारा नेशनल झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है वो विदेशों में पहली बार कहाँ पे फहराया गया था। पहला तो आपको चीज ये याद रखनी है, दूसरा याद रखना है कि आंसर बताइए और मैं बता दू किसने फहराया था। तो मैडम भीखा जी कामा याद है आपको, पढ़े हैं आप मैडम भीखा जी कामा करके याद रखिए, मैडम भीखा जी कामा के द्वारा हमारा राष्ट्रीय झंडा पहली बार 22 अगस्त 1907 है ना 22 अगस्त 1907 के अंदर फहराया गया था। किसी को ऑकलैंड याद है क्या, किसी को ऑकलैंड याद है, तो ऑकलैंड जो है ना वो इसमें गलत आंसर है। पहली बार भीखा जी कामा मैडम भीखा जी कामा जी के द्वारा 22 अगस्त 1907 को यहाँ पे स्टटगार्ट, ठीक है, स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर ये झंडा फहराया गया था, ठीक है, भीखा जी कामा जी स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 22 अगस्त को ये झंडा पहली बार फहराया गया था।
निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़े हुए नहीं है? नेशनल मूवमेंट्स की बात की जा रही है, राष्ट्रीय आंदोलनों की बात की जा रही है, तो जिन भी आंदोलनों से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई वर्ड दिया हो, कोई स्लोगन दिया हो, या जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, और आपको पता ही होगा कि यूपी सरकार ने हाल ही में इस चीज को षड्यंत्र में बदल दिया गया है, काकोरी कांड में नहीं। इससे पहले ये काकोरी कांड पढ़ा जाता था, तो यूपी सरकार के द्वारा इस कांड शब्द को हटा के काकोरी थ्योरी या काकोरी वर्ड इस्तेमाल किया है। इनमें से कौन काकोरी कांड के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे या काकोरी थ्योरी जिसे कहते हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, इनको 1925 में हुई काकोरी कांड के लिए फांसी की सजा भी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, ऐसे 40 लोगों को जो काकोरी कांड में पकड़े गए थे उनको फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। और सूर्य सेन जो है ये चिटगांव आर्मी से रिलेटेड है, ना कि काकोरी से रिलेटेड है ना, सूर्य सेन चिटगांव आर्मी से रिलेटेड। हु वॉज चूजन एज द सेकेंड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह आफ्टर विनोबा भावे? देखिए, तीन सत्याग्रही हैं जो गांधी जी के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, राइट। पहले सत्याग्रही जो बोले जाते हैं वो हमारे विनोबा भावे जी जो है वो बोले जाते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि विनोबा भावे जी के बाद दूसरे सत्याग्रही जो चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? पहले जो थे वो विनोबा भावे जी चुने गए थे, और दूसरे सत्याग्रही जो चुने गए थे, दूसरे सत्याग्रही वो कौन चुने गए थे? ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है ना, हाँ, ये क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि ये तो नेशनल मूवमेंट हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन एग्जाम में जब जीके के क्वेश्चंस के साथ मिक्स होके आते हैं तब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी तो हमको माइंड में ये क्लियर है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सत्याग्रह, काकोरी कॉन्स्पिरेसी या फिर नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो याद रखिये ये कोई, हाँ, पैट में आया है ना क्वेश्चन, ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके जो अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट हुआ है उससे प्रेरणा लेके किए। और सैटरडे संडे को आपकी इस बार स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेसिफिकली संडे को ना आपकी 9 बजे एक स्पेशल क्लास है जिसके अंदर यूपी ट्रिपल एससी का पैट का जो पेपर है ना, वैसे तो बहुत इजी था, आप लोग को आते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। और साथ में बेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का जो पेपर हुआ था वो भी बहुत अच्छा पेपर था, वो हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर को डिस्कस करने के बाद आपकी एटलीस्ट आपको ये भरोसा हो सकता है कि हम भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1885 ऑफ बॉम्बे। पहली बार जब INC की सभा अध्यक्षता जो है वो सभा जब बैठी थी तो 1885 में बैठी थी, कहाँ पे, बंबई के अंदर। तो पहला जो सेशन हुआ था वो सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, ये मतलब किसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मतलब पहली बार INC की जब पहली मीटिंग हुई थी तो वो 1885 के अंदर हुई थी, और 1885 में बंबई के अंदर होने वाली कहाँ पे थी, ये पूना के अंदर, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाता है इसलिए बंबई में ये अध्यक्षता ना ये सभा जो होती है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से जिनको जानते हैं, तो वोमेश चंद्र बनर्जी करके याद रखिए, WC बनर्जी, पहली बार प्रेसाइडेड किया था ये पहले प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें कहते हैं कि अगर आपको INC की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, INC की अभी तक की, मैं पूछ रही हूँ आपसे आज 2021 तक INC की सबसे लंबी सर्विंग नेता, सबसे लंबे या लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर कौन है बताइए, लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, तो INC की अध्यक्षता अभी तक सबसे ज्यादा बार जो है वो किसने की है, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में किए थे, जॉर्ज यूवल आए थे, वे दादा भाई नौरोजी 1886 में किए थे, है ना। तो इंदिरा गांधी करके इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, कभी भी आपसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर INC की पूछी जाए तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और उसके बाद आज की डेट में सोनिया गांधी जी जो है ना वो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर के रूप में आएंगी, राइट। पहले इंदिरा गांधी जी थी, अब इंदिरा गांधी जी के बाद सोनिया गांधी जी जो है वो इस INC की सबसे लंबी या सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर के रूप में जानी जाती है,
उमेश चंद्र बैनर्जी. द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट विच प्लेस. बताइए सबसे पहली बार स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, ये बात भी बोली गई थी जिसमें स्वराज शब्द का, देखे जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र शब्द जो है वो सबसे पहली बार, नेशन वर्ड जो है वो सबसे पहली बार किस पुस्तक में मिला है, तो आप बोलेंगे कि हमारा भाई नेशन शब्द जो है ना वो ऐसा नहीं है राष्ट्र शब्द हमने आज नहीं बनाया, हमारे वेदों में 36 बार लिखा हुआ है नेशन शब्द के लिए. उसी तरीके से जैसे वर्ड्स को लेके आता है ये स्वराज शब्द जो है वो पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, कलकत्ता में इस्तेमाल किया था, ये तो सबको क्लियर है कलकत्ता, और कलकत्ता के लिए 1906 लिखा हुआ है 1906. इसी से पहले बंगाल की पार्टीशन जो है उसकी 1905 में डिक्लेयर किया गया था, 1906 में बंगाल की विभाजन की बात की गई थी, और तभी जो है ना वो स्वदेशी और स्वराज ये दो वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित हुए थे. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरा स्वदेशी अपनाओ, ये दो शब्द जो है वो 1905 और 1906 के बीच में बहुत 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 ज्यादा फेमस हुए थे ना. द टर्म होम रूल वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ये जो शब्द है ना ये होम रूल लीग मूवमेंट जिसे कहते हैं या होम रूल लीग मूवमेंट के नाम से जो जाना जाता है, तो ये जो शब्द होम रूल है ये हमने कहां से लिया, ये उस कंट्री के अंदर ऐसे नाम का एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, तो हमने क्या किया कि चलिए हमने इसी शब्द को उठा के यहाँ पे ऐड कर लिया, राइट. तो यहाँ पे ये बताइए, ये जल्दी से बताइए, होम रूल लीग वर्ड जो है वो हमने कहां से लिया, ये स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और स्वराज वर्ड के ऊपर जो डिटर्मिनेशन थी वो पूरी की पूरी आपको क्या याद रखनी है, 1906 के सेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये वर्ड स्वराज जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया था, है ना. आयरलैंड करके याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आयरलैंड, ये आयरलैंड के अंदर एक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी जिसको बाद में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, तिलक जी ने क्या किया इसको होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग के नाम से कन्वर्ट कर दिया. सेम एनी बेसेंट है ना, बाहर की पहली नॉन इंडियन फीमेल जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता भी की थी, तो आयरलैंड करके याद रखिएगा, आयरलैंड एनी बेसेंट जो है वो इस वर्ड को भारत के अंदर प्रचलित भी की थी कि भाई ये वर्ड जो है ना होम रूल लीग मूवमेंट जिसे कहते हैं कि भाई हमारे देश के जो लोग हैं वही जो है वो यहाँ पे रूलिंग करेंगे, ये थोड़ा उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है. रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो भारतीय, अगर हम अपनी आजादी के इतिहास की बात करते हैं या मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को, इसीलिए 26 जनवरी जो दिन है ना वो आपका चुना भी गया है, इसी रीजन की वजह से चुना गया है. तो रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज जो है वो पास हुआ था 26 जनवरी 1930 को. आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सेशन देखिए, आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की बेसिकली जो एक्सप्लेन ये पास तो कर दिया था 19 दिसंबर 1929 को. इसके लिए आपको दो डेट्स याद रखनी पड़ेंगी. देखिए आईएनसी के जितने भी सदस्य थे, जितने भी अध्यक्ष बने हैं या जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा तो कर दी थी, पास तो कर दिया था, लेकिन एग्जैक्टली बताया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हमने इस दिवस को किस रूप में मनाना शुरू किया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में. किस रूप में? इंडिपेंडेंस डे के रूप में. तो यहाँ पे ना दो डेट्स याद रखिएगा आप. इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, आंसर इसमें लाहौर ही है, लेकिन दो डेट्स कभी कभी आती हैं. कभी कभी लिखा रहता है 19 दिसंबर 1929 को पारित हुआ था, तो कभी आपसे ये वाला ईयर पूछेंगे, कभी आपसे 1930 पूछेंगे. इसको सेलिब्रेट जो है वो 26 जनवरी को किया गया था, लेकिन पास कर दिया था 19 दिसंबर 1929 को ही. लाहौर करके याद रखिए, लाहौर. अच्छा, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भारत में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था. देखिए इस खिलाफत मूवमेंट को कैलिफेट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अरब नेशन से यहाँ पे इंस्पायर था. 1999 ये 1919 से 1924 के बीच में
ये पूरा मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है वो बोला जाता है शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल अली, अबुल हकीम अली, इनके नाम से, और मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के रूप में जाना भी जाता था। इन दोनों को क्या बोलते थे? अली ब्रदर्स के रूप में इनको जाना जाता था ना, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मतलब किसी के खिलाफ हो जाना या अगेंस्ट हो जाना। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपके ना सीक्वेंस आपको बताना है। चार चीजें लिखी हुई है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट एक्शन डे और गांधी इरविन पैक्ट। आप इनको ना इनके करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए, और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि सिर्फ आपसे ईयर पूछे जा रहे हैं, तो ईयर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो कैसा आएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आपको पता ही है कि 1905 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके हिसाब से बाकी आंसर्स अरेंज करिए फटाफट। मैं ईयर्स बताती हूँ, आप इनको अरेंज करिए। देखिए, एक का ईयर 1905 है, एक का 1931 है, एक का 1946 है, और एक का 1931 ही है। तो दो ईयर, एक 7 सितंबर 1931 है, एक आपका है यहाँ पे 1931 जो 5 मार्च बोलते हैं। तो कैसे अरेंज करेंगे? एक सितंबर है, एक मार्च है, एक सितंबर एक मार्च, तो उसके हिसाब से जरा अरेंज करिए। 1 3 2 4 1 2 3 4 1 4 2 3 है ना आंसर। यहाँ पे देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 है, राइट। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 है ना, 5 मार्च 1931, 16 सितंबर 1946 है ना, 16 सितंबर 1946 डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में, ये इसके लिए जिन्हा जो है ना वो जिम्मेदार है। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 ही बोला जाता है ना, इसके लिए भी 1931 बोलते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये हुई थी सितंबर में। कब हुई थी? सितंबर। तो क्या रहेगा? पहला आएगा पहले, फिर आएगा गांधी इरविन पैक्ट, फिर आएगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, सितंबर में हुई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर आएगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे 1946, यानी कि 1 4 2 3। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 1 4 2 3 करके 1905, 1931, 5 मार्च 1931, सितंबर 1931 और 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे 1 4 2 3 करके। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स? आपको बताना है इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिया, हटा लिया, क्योंकि भाई ये बोला था कि इसको हम नॉन वायलेंस रखेंगे, हिंसा नहीं करेंगे किसी चीज की। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा इंसिडेंस होता है 1922 में, पुलिस चौकी जलाई जाती है, उसके बाद गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। गांधी जी ने अपनी पहली स्पीच जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दी थी। गांधी जी जो है 1921 में अरेस्ट किए गए थे 1921 में, और नेहरू जी जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं लाहौर सेशन में। तो क्या लग रहा है आपको, पहली बार गांधी जी जो है वो कौन सी ईयर में गिरफ्तार हुए थे, जरा बताइए। गांधी जी है ना कौन से ईयर में गिरफ्तार हुए थे, बताइए। 7 साल की जेल सुनाई गई थी, सजा तो जो है ना वो 7 साल की सुनाई गई थी यहाँ पे, लेकिन ईयर जो है वो आपको 1921 नहीं याद रखना है। आप जरा आंसर बताइए कौन सा था। प्रेसिडेंसी की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज के दौरान कौन था इसका अध्यक्ष, तो नेहरू जी थे भाई, इसमें तो गलत नहीं है। सी वाला सही है, 1922 22 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, ये चौरी चौरा इंसिडेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में ही था, लेकिन 22 मार्च 1922 करके याद रखिए। और फरवरी में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और 22 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नेहरू जी लाहौर सेशन के प्रेसिडेंट थे, पहली पब्लिक स्पीच जो है वो BHU में दी थी, और गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन को हटा लिए थे चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्वेश्चन, सी जो है वो आपको मार्क करना है। स्लाइटली डिफरेंस होता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में बहुत ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन देने में अच्छा लग रहा है ना, अगर आता है तो अच्छा लगता है। जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, स्वराज और साइमन कमीशन, इनको जरा अरेंज करिए। जलियांवाला बाग मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन और साइमन कमीशन, इसको जरा अरेंज करिए ईयर के हिसाब से। हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन अलग है भाई, बेलगांव सेशन अलग है, बेलगांव 1924 है,
बेलगांव का सेशन 1924 है, उसको मैंने कोरिलेट किया था आपको कि कैसे कोरिलेट करना है, ये जरा बताइए। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, इंडियन मुस्लिम जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं, अभी मैंने ऊपर ईयर बताया 1919 से, ये मैं बता चुकी थी, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, 1919 से 1924 जलियांवाला बाग 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919, तो ये आपका पहले हुआ था ना, ये बाद में हुआ था खिलाफत मूवमेंट। 1922 स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट्स और गांधी जी के वापस आने के बाद 1923 में जो स्वराज पार्टी है उसको स्थापित किया गया था। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, जिसको गो बैक साइमन, साइमन गो बैक के नारे जो है वो लगाए गए थे, है ना, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, इसी में लाला लाजपत राय जी की लाठी चार्ज में हत्या हो जाती है और भगत सिंह जो है वो सॉन्ड्रस को मार के इस हत्या का बदला लेते हैं, लेकिन इस चीज के लिए उनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, आप याद रखिएगा। वो जो बिल आए थे, दो बिल आए थे, उसके अगेंस्ट में भगत सिंह जी को ना कैप्चर किया गया था, पकड़ा गया था। तो यहाँ पे सीक्वेंस मेरे ख्याल सही है, सही है ना, वन क्या लिखेंगे सीक्वेंस, 1 2 3 4 1919 अप्रैल 1919 से 1924 अगस्त के आसपास शुरू हुआ था, तो 1923 जो है वो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन और 1928 साइमन कमीशन भारत में आया, और सबसे पहले आया बंबई के अंदर, कहाँ पे आया, बंबई के अंदर। तो साइमन कमीशन कहाँ पे उतरा था, बंबई के अंदर 1928। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कमेंट, नो वकील नो अपील नो दलील, बताइए, ना कोई वकील ना कोई अपील ना दलील, ये कौन से एक्ट के अंदर लिखा हुआ था बताइए, जो यह क्वेश्चन है पहले उनके आंसर दे दो, एक आधी बच्चा ना कोई क्वेश्चन करो ना उसके पीछे से बाकी बच्चों से पूछ रहे होते हैं, अच्छा तुम इसका आंसर बताओ, पहले इसके आंसर दे लो, बाद में मीटिंग कर लेना है, उसके आंसर दे देना। चलो ये बताओ, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी कमेंट, नो ना कोई वकील ना कोई अपील और ना कोई दलील, जिसकी वजह से यहाँ पे गांधी जी जो है वो पीसफुल प्रोटेक्शन करते हैं, गांधी जी सत्याग्रह के लिए जाते हैं, और यहाँ पे क्या था, कौन से एक्ट में ऐसा था जिस एक्ट की वजह से सत्येंद्रनाथ जी को, सत्येंद्रनाथ जी और एक और नाम है किचलू, किचलू साहब जी को और सत्येंद्रनाथ जी को इसके विरोध के लिए क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में क्या था कि कोई भी किसी को पकड़ेंगे, ना वकील अलाउड होगा, ना अपील और ना दलील, सीधा जो है वो जेल या फांसी दी जाएगी। इसी के लिए किचलू साहब जी और सत्येंद्रनाथ ये लोग जो है ना ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो प्रोटेस्ट जलियांवाला बाग से अलग है ठीक है, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी होने पर जो जलियांवाला बाग है उसका प्रोटेस्ट हो रहा होता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 करके याद रखिएगा। पीजेंट सत्याग्रह बारडोली में किसान सत्याग्रह जो है वो आयोजित किया गया था, कौन से साल में, इसी में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि भी मिली थी। तो आपको पता है ये वाला, ये बारडोली सत्याग्रह कहा जाता है कि ये जो एक मूवमेंट हुआ था ना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जिसे कहते हैं, या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी बारडोली सत्याग्रह जो है ना वो इसकी नींव रखता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था है ना उसकी नींव जो है वो बारडोली सत्याग्रह ने रखी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिसाब से बारडोली सत्याग्रह जो है वो 1928 करके याद रखिए, आप याद रखिए, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इसी चीज से रिलेट करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1928 और इसी सत्याग्रह के बाद जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है वो प्राप्त होती है। वॉज दी मॉडरेट लीडर और लीडर ऑफ दी कांग्रेस, बताइए कांग्रेस के उदारवादी नेता जो है ना इनमें से कौन थे। देखिए कुछ मॉडरेट थे और कुछ जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट थे, क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। देखिए मॉडरेट मतलब प्यार से बात करिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप प्यार से बात करिए, थोड़ा नरम होके बात करिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, जो लोग ये ना लाठी डंडे से मानते हैं ना वो प्यार से मानते नहीं, आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, बड़ी वियर्ड सी स्टेटमेंट है लेकिन वो ठीक है, जिनको आदत ही डंडों की होती है ना वो प्यार से बात मानते नहीं है, ये वाला हिसाब किताब है ना, ये गांधी जी वाला नहीं है, एक चाटा कोई मारे दूसरा गाल भी आगे कर दो वो एक और चाटा मारेगा, अभी ऐसा जमाना है कि आप दूसरा गाल करेंगे तो वो एक और चाटा लेके तैयार होगा दोबारा गाल करो, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो अलग हो जा रहे हैं और मॉडरेट लीडर जो है वो अलग हो जा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के सेशन में ऐसा नहीं था कि
पहली बार हुआ है कि सूरत स्प्लिट, यानी कि 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, और 1916 में कानपुर का सेशन, उसमें आके ये फिर से जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये INC में बहुत बात तक भी चला है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे सबसे बड़ा डिवीजन हुआ था दो दल के बीच में, उसी से रिलेटेड है। तो लाल बाल पाल आपको पता है, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर बोले जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, आपको इनके लिए एक स्टेटमेंट आती है, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी का ना कोई रिलेशन है क्या, आप जरा बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, बड़ा फेमस हिस्ट्री का, कौन सा जरा बताइए आप। यहाँ पे 1917 में ये फिर से अलग हो गए थे, है ना, 1916 में जुड़े, 1917 में फिर से, और उसके बाद तो हमेशा ही रहा। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बहुत लोग अलग हुए थे। जिन्ना कॉल्ड फॉर डैश टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लीग की मांग को दबाने का क्या किया था, आह्वान किया था, कौन सा। एग्जैक्टली, गांधी जी जो है ना, वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वेरी नाइस, गोपाल कृष्ण गोखले। अभी जो आंसर इस, जो पता है ऐसी चीजों को जो समझ पाए ना, मतलब मैंने कुछ लिखा और इशारे में जो चीजें समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। अब आप बस एग्जाम का वेट करिए किसी ना किसी का, और एग्जाम में मेरिट में ना आपका नाम निश्चित है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने किस दिन के लिए यहाँ पे एक आह्वान किया था जिसमें काफी ज्यादा लोगों की मतलब हत्या हो गई थी, मारा गया था। कहा जाता है कि 16 अगस्त 1946 वाले दिन कलकत्ता की सड़कों पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, और जिन्हा के लोग जो हैं वो तलवारें डंडे लेके सड़कों पे उतरे थे। बंगाल की या कलकत्ता की कोई गली ऐसी नहीं थी जहां पे खून की धार ना बह रही हो, इतने लोग मारे गए थे, अनगिनत। आज तक उसका कोई डेट नहीं पता, और आज तक उसकी नहीं डेट नहीं मतलब आज तक उसका ये डाटा नहीं है कि कितने लोगों की हत्या उसमें की गई थी। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे करके याद रखिए। 1946 जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे, 16 अगस्त 1946 कलकत्ता की सड़कों पे लोग तलवारें लेके जिन्ना के घूम रहे हैं, और जो सामने आ रहे हैं ना उसको मार दे रहे हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। लगातार जो है वो मिशन आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके संविधान को बेहतर बना देंगे, हम अपने देश को, आपके देश को जो है वो बेहतर बना देंगे। इसी के लहजे में क्रिप्स मिशन भी आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो जाता है, और गांधी जी कहते हैं कि नहीं भाई, हमको अभी जो है वो आंदोलन छोड़ना है, छेड़ना है, आप लोग हमारी बात सुन नहीं रहे हो। इसके चलते गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था, उस आंदोलन का नाम बताइए। मैं आंदोलन की तारीख बता दे रही हूँ, आप तुरंत आंसर कर देंगे। 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन का आह्वान किया गया था, और 9 अगस्त 1942 पे मास नंबर में सड़कों पे लोग जो है वो दिखाई दे रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को सड़कों के ऊपर लोग 9 अगस्त को उतर आए थे, आह्वान किया गया था 9 अगस्त को, मतलब आह्वान किया गया था 8 अगस्त को यहाँ पे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन क्या आंसर लिखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, बेसिक लाइन यही थी इसकी, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था ये। 8 अगस्त 1942 द सॉल्ट मार्च एंडेड व्हेन गांधी जी रीच डांडी ऑन डैश थे। बताइए, जो नमक सत्याग्रह है ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और यहाँ पे हम नमक कानून को तोड़ेंगे ऐसा करके ये शुरू किया गया था। 12 मार्च को इसको शुरू किया गया था, ठीक है, 12 मार्च 1930 को, है ना, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने पे, क्योंकि नमक के ऊपर लगा दिया गया टैक्स, बोला गया कि कोई भी भारतीय जो है वो नमक ना तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो टैक्स लगाया जाएगा, इसके लिए गांधी जी को जेल भी भेजा जाता है। ये पूरी जो यात्रा है वो गांधी जी के समेत जो है वो 78 लोगों के साथ की जाती है, 78 लोगों के साथ की जाती है। यहाँ पे दो नंबर आपसे पूछा जाता है, पहली चीज तो ये कि जब INC का सेशन हुआ था तो पहले सेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, तो आपको आंसर बताना होता है कि भाई पहले सेशन में 72 लोग जो है वो शामिल हुए थे। गांधी जी की नमक यात्रा के अंदर टोटल कितने लोग गए थे, तो
78 प्लस में गांधी जी, यानी कि टोटल 79 थे। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि गांधी जी को छोड़ के बाकी कितने लोग थे। भाई गांधी जी शुरू किए हैं तो गांधी जी तो जरूर ही होंगे यहाँ पे। तो 6 अप्रैल 1930 को 78 अपने लोगों के साथ गांधी जी ने नमक कानून जो है उसको तोड़ा था, जिसको हम सॉल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही जो है ना वो मूवमेंट भी शुरू हो जाता है 1930 का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू असहयोग आंदोलन को जो खत्म किया गया था, या असहयोग आंदोलन जो है वो निलंबित किया गया था। तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 1922, ठीक है, 12 फरवरी 19। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस क्वेश्चन में, चौरी चौरा में ऐसी घटना हुई है जो कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा उत्तर प्रदेश आज भी इसी चीज के लिए मतलब ठीक है ना, मैं भी तो यूपी से ही हूँ, आज भी उत्तर प्रदेश के नाम ले दो यहाँ पे, और मेनली मैनपुरी और इटावा का नाम ले दो, जहां से खुद मेरा गाँव भी मैनपुरी इटावा है। अगर हम ये राजस्थान या यूपी के, नहीं राजस्थान या पंजाब वगैरह के किसी लोगों को ये बोले ना कि आप कौन सी जगह से आते हो, तो इटावा या मैनपुरी से हम आते हैं, ऐसा सुन के ना वो अपनी कुर्सी को ना थोड़ा सा साइड कर लेते हैं कि अरे बाप रे बाप, है ना। आज भी वही हाल है, चौरी चौरा इंसिडेंट, या प्रतापगढ़ की तरफ जाइए, फरुखाबाद फतेहगढ़ की तरफ जाइए, है ना, ये सारा एरिया वही है यहाँ पे। तो आज भी यूपी में यही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा गोरखपुर में है आज की डेट में ये यहाँ पे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट याद रखिए उत्तर प्रदेश। आप मुझे ये बताइए कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है और पुलिस चौकी को जला दिया गया है, ऐसा गांधी जी को किसने बताया था? पहले तो फोन तो थे नहीं कि फोन घुमाया रे गांधी बापू जी ऐसा हो गया कि चौरी, नहीं ऐसा कुछ तो था नहीं ना। तो चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 का ये हुआ है, पुलिस चौकी को आग लगा दी गई है, ऐसा गांधी जी को किसने बताया था? मतलब एक नाम आता है यहाँ पे, एक नाम आता है गांधी जी के लिए कि भाई इन्होंने पर्टिकुलरली गांधी जी को ये बताया। जैसे देखिए क्रिप्स मिशन की बात होती है तो बीच में इसमें अबुल, ये हमारे अब्दुल गफार जी जो थे ना वो थे सामने यहाँ पे, है ना। अब आप मुझे ये बताइए किसके द्वारा ये बताया गया कि बापू पुलिस चौकी जो है वो जला दी गई है, किसके किसके किसने बताया? चौरी चौरा इंसिडेंट की घटना को गांधी जी को 12 फरवरी हुई थी, लेकिन ये बाद में जो है वो बताया गया, दशरथ द्विवेदी, वेरी गुड वेरी नाइस, दशरथ द्विवेदी करके याद रखिए, दशरथ द्विवेदी जी के द्वारा ये गांधी जी को सबसे पहले आके बताया गया कि भाई चौरी चौरा इंसिडेंट हुई है। उसके बाद गांधी जी ने ना देन एंड देयर अपना जो मूवमेंट था ना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको वहीं के वहीं निलंबित कर दिया। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन, अब आप इसमें ये बताइएगा कि गांधी जी जो है ना, क्या हो गया? अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप अगर होता तो फिर बात ही क्या होती है, ये आपको लग रहा है जैसे इजी आप लोग के लिए आज है वैसी थी सारी चीजें क्या? तो गांधी जी जो है ना ये, अच्छा गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया, अब कहाँ ये तो है ना, नहीं भाई व्हाट्सएप मैसेज आए जरा देखो, या व्हाट्सएप तो चलो फिर भी बहुत बात की बात है, कॉल ही आता, कॉल भी नहीं आने का कोई चांस था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, राइट, आपसे भी ये बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कौन सी साल में लौटे? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है ना वो गांधी जी भारत में आए थे। आप ये बताइए कि गांधी जी भारत में परमानेंटली जनवरी के महीने में कौन सी साल में आ गए थे, किसके कहने पे आए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, इसी चीज के लिए हम गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु के नाम पे जानते हैं। तो 1915 याद रखे जनवरी के महीने में आए थे भाई, जनवरी के महीने में आए थे, तो गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे। द जर्नल हरिजन वॉज पब्लिश बाय, तो हरिजन नाम की जो किताब है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? और इस चीज के लिए ना बड़ा गांधी जी के मन में ना बहुत ज्यादा उदारता थी कि चलिए भाई जो हमारी डिप्रेस्ड क्लास है, सोशली डिप्रेस्ड क्लास है, उन क्लासेस को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए यहाँ पे। तो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जवाहर महात्मा गांधी जी, हरिजन नाम की पत्रिका जो है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो भारत में लौट आए थे, और हरिजन नाम की पत्रिका जो है वो बंगाली एडिशन में पहली बार 1942 में निकाली गई थी। अच्छा नहीं, इंग्लिश वीकली पहले निकाली थी 1933 में, इंग्लिश वीकली निकाली थी हरिजन नाम से, और बंगाली में इसको कन्वर्ट किया गया था 1942 में। कौन से में? 1942वीं साल में जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें इसको कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। अच्छा कलकत्ता जो है वो एक
एक सेंटर था, इसीलिए पहले जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कलकत्ता में डिसाइड हो जाती थी। कलकत्ता मेन सेंटर था, कलकत्ता कलकत्ता बंबई और बिहार, ये पहले के इम्पोर्टेंट सेंटर्स में से ना काउंट किए जाते हैं। 1931 में कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी, इन 1931 कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन, गांधी जी को मनाया गया था, किसने मनाया था, इरविन ने मनाया था। इरविन ने बोला कि भाई आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ना इसको पार्टिसिपेट, इसमें आप आ जाइए, जो कि हुई थी 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर। एक दिसंबर साल क्या था 1931, लेकिन गांधी जी यहाँ से गुस्सा हो के आए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखिए, फिर गांधी जी कभी तीसरी में गए नहीं, पहली में भी नहीं गए थे। तीनों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा अटेंड किया गया था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किसने अटेंड की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। 1931 में गोल में एक सम्मेलन द्वितीय में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे और गुस्सा ही हो गए थे। निम्नलिखित में से किसने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर सेशन की अध्यक्षता की, जिसमें रावी नदी के तट पे पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो यहाँ पे की गई थी। ऐसी चीजों को ना जवाहरलाल नेहरू जी कभी अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। मतलब कहीं पे कोई ऐसा सेशन या जो सेशन जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ खास तो होगा ही होगा, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी का मकसद भी रहता था और उनके होते ही चीजें हो भी जाती थी। तो क्या रहेगा, जवाहरलाल नेहरू याद रखिए 1929 पूर्ण स्वराज की जो मांग की वो की गई थी यहाँ पे। मतलब हमें जो है वो आधा अधूरा राज्य नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके लिए रावी नदी के तट पे लाहौर के सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के दौरान जो है ना ये बात डिस्कस की गई थी। साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखिए एटली के द्वारा ये बोला गया था, तो 1946 में जब ये पूरी बात हो रही थी 1945 के आसपास जो है ना, वो एटली ने बोला था कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, भारत को आजाद कर देंगे। कौन सी साल तक? हम उन्होंने बोला था कि हम जून 1948 तक आजाद करेंगे, 1948 जून तक आजाद करेंगे, लेकिन अपने तय मुताबिक समय से पहले ही कर दिया था, यानी कि अगस्त 1947 में कर दिया था। आप ये भी याद रखिएगा कि ऑल्दो हम 1947 में आजाद हो गए थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कम्प्लीटली भारत को 1950 में ही जो है ना वो छोड़ा था। इसीलिए आपकी मेजर जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे प्लानिंग कमीशन है या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आप हमेशा ना 1951 ही पढ़ोगे, क्योंकि 1950 के आखिरी तक भारत के अंदर ही रहे थे ब्रिटेन। उस टाइम पे जब साइमन जो है वो आया था यहाँ पे इंडिया में, तो उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? स्टैनले वेल्डन, ठीक है, स्टैनले वेल्डन करके याद रखिए। एटली जो है वो हमारे ये क्लेमेंट एटली जो है ये आजादी के समय थे, और उस टाइम पे साइमन कमीशन के टाइम पे स्टैनले वेल्डविन करके बोलते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फोड़ा था सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, है ना। प्रोटेस्ट था वो किस बिल का, और इसी बिल के लिए या इसी प्रोटेस्ट के लिए जो भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जो हैं और सुखदेव जी जो है ना, इनको बटुकेश्वर दत्त जो है, दत्त की बटुकेश्वर दत्त का तो नहीं, वो जतिन दास है ना, 64 दिन के बाद बिना खाना खाए बिना पानी पिए, एट द एंड ऑफ द 64th डे जतिन दास जी की जो है ना वो मृत्यु हो जाती है, और 64 डेज तक ना वो जेल के अंदर भूखे ही रहते हैं। तब भगत सिंह जो है ना उनके साथ ही थे यहाँ पे, और ये जो अरेस्ट हुए थे भगत सिंह जी, वो इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी, या बिल बम फोड़ा था क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल जो है ना उसकी अपोज किया था। तो पब्लिक सेफ्टी बिल करके याद रखिए, जन सुरक्षा विधेयक को उन्होंने अपोज किया था, इसकी वजह से बैरों को सुनाई दे, बैरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है, स्टेटमेंट के साथ असेंबली में बम फोड़ा, और चाहते थे गिरफ्तार हो जाएं, भागे नहीं थे, चाहते तो भाग भी सकते थे या बम बाहर से भी फोड़ सकते थे, बट उनका मेन इंटेंशन जो है वो भगत सिंह जी का पकड़ा जाना ही था ताकि लोगों को पता चलता ना। मतलब ऐसी बातें कैसे एक 23 साल का आदमी ऐसा सोच सकता है क्या, जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, कोई मतलब जिसको पता है कि मर जाएंगे या फांसी दे दी जाएगी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, मात्र 24 साल का आदमी गार्डन में जब पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मार सकता है क्या? कितना ज्यादा ये चीजें इमेंस थिंकिंग होगी, या कितनी उनके अंदर देशभक्ति होगी ना, किसी चीज से कितना बे इंतहा प्यार होगा ना, तब जाके आदमी ये डिसीजन ले पाता है ना। हेड्स ऑफ, लाइक नील दर्पण विच गेन द ग्रेट फेम फॉर विविडली पोर्ट्रेइंग
ऑपरेशन बाई दी इंडिगो प्लांटर्स। तो नील दर्पण जो है ना, जिसके लिए बंगाल और बिहार में नील दर्पण या नील की खेती करवाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले बिहार के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ही ज्यादा। नील दर्पण आपको ये बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई किताब है। नील दर्पण में जो जबरदस्ती खेती जो है ना वो करवाई जाती थी, जबरदस्ती खेती जो है वो करवाई जाती थी नील की। नील की खेती करने के बाद जो फसल है ना या जो जगह है वो पूरी की पूरी खराब हो जाती है, बहुत ही डिवास्टेटिंग तरीके से खराब हो जाती है। तो फार्मर्स करना नहीं चाहते थे लेकिन करवाई जाती थी। दीन बंधु मित्रा है ना, दीन बंधु मित्रा के द्वारा ये जो नील दर्पण है ना उसको लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्यकर्ता, विचारक और समाज सुधारक लोक हितवादी के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध के रूप में जाने जाते हैं, तो किसके लिए बोलते हैं हम, एक्टिविस्ट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर्स गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। लाला लाजपत राय डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी विजिट ऑफ साइमन कमीशन। इसी के बदला लेने के लिए भगत सिंह जी के द्वारा, राजगुरु जी के द्वारा और सुखदेव जी के द्वारा सॉन्ड्रस की हत्या की थी, है ना, सॉन्ड्रस की हत्या की गई थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था जिसने भारत के लिए पूर्ण प्रभुत्व की स्थिति की सिफारिश करने वाले संविधान का मसौदा जो है वो तैयार किया था। Who was the chairman of the All Party Conference which put up a draft constitution recommending full dominion state for the India? तो भारत के लिए पहली बार पूरा मसौदा शुरू करने की या मसौदा बनाने की जो कवायद है वो किसके द्वारा की गई थी, तो नेहरू जी के जो पापा थे ना मोतीलाल नेहरू जी, उनके द्वारा ये चीज जो है वो बनाई गई थी। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो है वो करके याद रखे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को, नहीं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी बताइए। अभी हमने इससे पहले तो ये पढ़ा था कि 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह था जो 1930 के मूवमेंट का एक बेस भी बनता है, इसी में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दी जाती है। अभी उपाधि दी किसने थी सिर्फ ये बता दीजिए, किसके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। नन अदर देन, है ना, सारा श्रेय जो है ना वो गांधी जी ले जा रहे हैं, है ना। आप में से कई लोग होंगे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट करके, है ना, कुछ लोग तो गांधी जी के साइड होंगे, कुछ लोग लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या भगत सिंह के साइड होंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बारडोली सत्याग्रह के बाद बापू जी के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे ज्यादा टाइटल पता है आपको महात्मा गांधी जी को ही मिले, मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल 38 टाइटल्स हैं जो महात्मा गांधी जी के नाम पे ही हैं। बापू किसने बोला, महात्मा किसने बोला, ऐसा करके ना। तो इनकी थोड़ी लिस्टिंग ना आपको करके दी भी आज पीडीएफ में, उसको जरा पढ़ने की कोशिश करिएगा। महात्मा गांधी जी जो है ना, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, है ना। अब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे शाम वाली क्लास में जिसमें हम बेसिक फैक्ट्स की बात करते हैं, और टोटल मिला के आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी शाम को 7 बजे, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। कल भी क्लास है 8:50 पे, तो कल मैं आपको 8:50 पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का फिर से, देखिए हर क्लास आप लोग के लिए होती है सरप्राइज, 7 बजे वाली क्लास भी जो होती है ना वो आप लोग के लिए सरप्राइज होती है क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक जीके, और आजकल इसमें हम अलग सा स्टैटिक जीके कर रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती दूर दूर तक। तो 15 क्वेश्चन सिर्फ आप ब्लैंक फेसेस के साथ, ज्यादातर लोगों को खैर पता भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम कवर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप अनकेडमी पे जो 6 से 7 वाली क्लास है ना, 6 बजे वाली साइंस की, 7 बजे वाली क्लास आप मेरी ज्वाइन कर सकते हो। इन अ वे 8:50 पे ये क्लास डेली होगी, 9:30 तक ही जाने का विचार होता है, लेकिन ये इतनी किस क्लास में पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। एग्जैक्टली सारे के सारे विचारधारा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन मकसद सबका एक ही था, देश की आजादी। पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपको 7 बजे की क्लास का लिंक। तो मैं आपका 7 बजे इंतजार करूंगी यहाँ पे अन अकेडमी के ऊपर, और 40 क्वेश्चन जो है वो हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्या बुक में नहीं दिया, तो मैंने लिखा है ना पूरा का पूरा। अरे इसमें बहुत क्वेश्चन आएंगे, गांधी जी का अपोज भी कई बार किया गया, किसने अपोज किया, क्या
ये सारे क्वेश्चन तो एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, काफी सारी चीजें जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। एक एक पार्ट के लिए हमको दो दो सेशन, तीन तीन सेशन चलाने पड़ेंगे। लेकिन पहली बार एक बार पूरा 30 टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं, फिर दोबारा इन टॉपिक्स को रिपीट करेंगे तो और क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। तब तक आपके ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो उसको हम उस तरीके से कर पाएंगे, है ना। चलिए आज के लिए गाइस थैंक यू सो मच। पीडीएफ आप ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो शाम की क्लासेस में आप रेक्टिफाई कर सकते हो। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच।